बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 के हम एमसीक्यूज करेंगे रिड्यूस सिलेबस के। अभी इसका पहले भी लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन वो सारे एमसीक्यूज थे ना। तो 2019 से शुरू करते। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और एरिया का वेक्टर प्रोडक्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना यार, अभी तो पढ़ा था मैंने, कहा था असाइनमेंट लेके आना सारे। ई डॉट डेल्टा ए क्या था? फ्लक्स था। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल बी। ये 2019 का पहला क्वेश्चन है। दूसरे में ये कह रहा है दो प्लेट्स हैं पैरेलल, उनके दरमियान आपने एक चार्ज को स्टेशनरी रखवाना है। चार्ज का मास एम है और उस पर चार्ज क्यू है, ठीक है। फर्ज करें ये दो प्लेट्स हैं, अगर इसके बीच में मैं एक मास रखता हूँ तो ज़मीन इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो इस मास पर ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? डाउनवर्ड। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एम जी, ठीक है। अब मुझे इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगानी पड़ेगी इसी मिकदार की। जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो ये चार्ज मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी होगी ऊपर वाली डायरेक्शन में। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगी क्यू ई। तो यहाँ देख लीजिए सिमिलर है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय जी। जी मैंने आपको बताया भी था ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी क्यू ई, ठीक है। अब जब ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी इस पर, तो इसका क्या मतलब होगा? ई की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? ऊपर। वैसे तो उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ई कितना होगा? इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो क्यू ई बराबर होगा एम जी, तो ई क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिया हुआ? थर्ड ऑप्शन, एम जी अपॉन क्यू। 2018 को देखें, सेटल डाउन हो जाए आप। दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर नहीं है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये तो स्केलर है, ये तो स्केलर है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही इसका आंसर है, हमने कहा था ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है। तो 2017 में आ जाए, डायलैक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू टू। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू टू इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 20 माइक्रोफेराड, इट्स कैपेसिटेंस विल। अभी ये कल ही पढ़ा था ना, जब आप डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मैंने क्या कहा था? सी क्या होगा? एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी नॉट, ठीक है। सी नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है? 20। एप्सिलॉन आर क्या है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा? 40 माइक्रोफेराड, ठीक है। अच्छा, उसने सिर्फ वैल्यू पूछी है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, इट्स कैपेसिटेंस विल बी डबल, वैल्यू नहीं पूछी उसने। अच्छा, 16 में आ जाए, इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ प्लेट्स आर डबल। सेपरेशन का क्या मतलब था? डिस्टेंस। कल ही फॉर्मूला पढ़ा था, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एरिया भी डबल कर दो,
यानी एरिया को 2a कर दो, सेपरेशन भी डबल कर दो, यानी इसको 2d कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। एरिया भी डबल कर दो, सेपरेशन क्या थी, बीच का डिस्टेंस, तो फिर नेट कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन द कैपेसिटी विल रिमेन द सेम, लास्ट ऑप्शन जो है। में आ जाएं फिर, जूल पर वोल्ट, जूल क्या है, वर्क, और जूल पर कूलम, कूलम क्या है, चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल है, तो ये कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, ठीक है, तो जूल पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के। पढ़ के आयो है? नहीं, यूनिट पूछी है ना उसने, क्या पूछ रहे हो तुम, हाँ भी है। अच्छा, आगे कहता है इसी ईयर में, टू कैपेसिटर्स ऑफ 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, सीरीज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/C=1/C1+1/C2। तो जब दो कैपेसिटर हो जाएं, आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या हो जाएगा, C1 C2, या C1 से C1 कैंसिल, C2 से C2 कैंसिल C1। अब C निकालना है, दोनों साइड उलट दो, तो C/1 हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा, ये C1 C2 हो जाएगा, और ये C1+। तो अगर सीरीज में दो कैपेसिटर हैं, तो आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जमा कर दें। अब ये इसने कहा है ना, एक कितना है, 3 है और 1 6, तो 3 × 6 क्या हो जाएगा, 18, और 3+6 क्या हो जाएगा, 9 9 से 18 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, समझ रहे हो, तो 2 microfarad इसका क्या हो गया आंसर। तो आप जल्दी जल्दी जबानी कर सकते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, 2012 में कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट्स इज डबल, सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया डबल कर दिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। ये आपको तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहीं पे नीचे है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या थी, ठीक, σ/2ε0 थी, ठीक है, गॉसियस लॉ केस नंबर 3, नहीं σ/ε0 थी ना, σ/2ε0 तो एक प्लेट की थी, अभी तो पढ़ा था परसों, σ/2ε0 तो एक प्लेट की थी, तो दोनों के दरमियान क्या हो गई थी, फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई थी, दोनों को जमा कर दिया था, तो σ/ε0, गॉसियस लॉ केस 3, ये उतार लें, फिर आगे चलते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखें भाई, 2011, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस इज एफ न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ क्या था, K Q1 Q2/r2। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E K E E, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस,
कहते हैं आपने किसी डिस्टेंस पे दो इलेक्ट्रॉन्स को रखा था तो फोर्स एफ है, उसी डिस्टेंस पे आप दो प्रोटॉन्स को रख लें, अब फोर्स क्या होगी? प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है, तो प्रोटॉन के लिए भी ई आएगा, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया तो फोर्स भी चेंज नहीं होगी, ठीक है? चाहे दो प्रोटॉन्स रख दें फर्ज करें एक मीटर दूर, या दो इलेक्ट्रॉन रख दें एक मीटर दूर, दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगी? सेम, क्योंकि डिस्टेंस आपने सेम रखा है और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एफ ही हुआ, ठीक है, कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। 2010 में देखें, डिक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस बाय वन हाफ, ये क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस आप आधा कर दें। देखिए डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस को आधा कर दो, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, आर का स्क्वायर है ना, ठीक है? तो डिस्टेंस पे फर्क क्या पड़ रहा है? डिस्टेंस फोर से डिवाइड हो रहा है, तो आपकी फोर्स फोर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, इन्वर्स रिलेशन है ना, क्या है? इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स में यही होता है। तो हमारी नई फोर्स हो जाएगी, फोर से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बनेगी? फोर टाइम्स। में देखें, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हमने पढ़ा था कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे, जब आप इसमें कोई डाइइलेक्ट्रिक रख देते हैं, हमने कहा डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो इस डाइइलेक्ट्रिक में भी एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स समझे इस जानिब झुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस जानिब झुक जाएंगे, प्रोटॉन्स इस जानिब झुक जाएंगे हर एक एटम के, तो डाइइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं ये पोलराइज हो गया, सही है ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जहां पॉजिटिव प्लेट होगी वहां डाइइलेक्ट्रिक की नेगेटिव साइड होगी, जहां नेगेटिव प्लेट होगी वहां डाइइलेक्ट्रिक की, इसको कहते हैं ये पोलराइज हो गया, पोल्स बन गया, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा टाइम गुजारेंगे और इधर कम टाइम गुजारेंगे, ठीक है? तो बहरहाल ये पोलराइजेशन कहलाती है, तो वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है पोलराइज्ड। अच्छा आगे कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करती? एरिया पे तो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द प्लेट्स पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे भी करती है, मीडियम पे भी करती है, नेचर पे नहीं करती ना, कि प्लेट्स किस टाइप की हैं, किस चीज से बनी हुई है उस पर डिपेंड नहीं करती। अगला है इसी ईयर में 4A1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, देखिए वही चीज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था ना यार, परसों ही तो पढ़ाया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दोनों क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। 2008 में आ जाए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन टू अपोजिट प्लेट्स कॉजेज द इंटेंसिटी, देखिए वही बात है, डाइइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया दो अपोजिट प्लेट्स से, इस पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड होगी जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं होगा, जब हमने डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया तो डाइइलेक्ट्रिक की वजह से एक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फील्ड इस फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट हो गई, तो ये एक्चुअल फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगी? कम कर देगी, तो डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है, टू डिक्रीज।
आगे टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल इच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 एक्सपोनेंट माइनस 10 न्यूटन। ये 2008 में अगला सवाल है। 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन से दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर, जब वो 1 मीटर दूर हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, अगर डिस्टेंस में 2 मीटर कर दूं तो फोर्स क्या होगी? देखिए यही बात होगी ना, डिस्टेंस को जब मैंने 2 मीटर कर दिया तो मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, तो जब मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, मैंने आर का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब जब यहाँ 4 आ रहा है, समझिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। जब डिवाइड हो रहा होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप डिवाइड करेंगे। अब हमारी जो नई फोर्स होगी वो पुरानी फोर्स डिवाइडेड बाय 4 होगी। 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है भाई, इन्वर्स रिलेशन का ही मतलब होता है ना, आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर सिंपल आ रहा है तो आप डिवाइड करेंगे, अगर वो फ्रैक्शन में तो फिर फ्रैक्शन के नीचे वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये याद रख लो, 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन। आगे कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ अ स्फीयर कंटेनिंग अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी स्फीयर के सेंटर में चार्ज रख दें आप तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर या अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर। ये पढ़ा नहीं हमने, फ्लक्स अभी पढ़ा नहीं था। फ्लक्स जो है गॉस ने क्या कहा था यार, गॉसेस लॉ ना, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, तो चार्ज जो अंदर होगा उस पर डिपेंड करेगा ना, बैंक अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। बेटा ये सिर्फ पढ़ के कॉपियां ना फेंको यार, अब तो पढ़ लो। ये पॉइंट्स मैंने लिखाए थे सारे कि इन इन पे डिपेंड नहीं कर रहा और इन इन पे डिपेंड कर रहा है, तुम लोग देख ही नहीं है। 2007 कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, अभी देखा था हमने कूलम पर वोल्ट क्या है, कल ही तो पढ़ा है, Q अपॉन V कैपेसिटेंस ना, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटी इसने लिया हुआ है। कूलम पर वोल्ट फेराड होता है, लेकिन इसने यूनिट नहीं पूछी, कहता है किस चीज की है। अच्छा फिर आगे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये अभी हमने पढ़ा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर। लेकिन एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला और भी है, वी अपॉन डी कह लो या वी अपॉन आर कह लो, यहाँ से यूनिट बनेगी वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों तो न्यूटन है, यूनिट हैं, तो न्यूटन पर कूलम भी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है, और पहली दो वाली तो यूनिट हैं, अब तीसरी और चौथी में से कौन सी नहीं है। तो देखो अगर इसको वोल्ट किसके बराबर होता है, यहां से देखो ना, वोल्ट क्या होगा, जूल पर कूलम, यही वोल्ट है ना। तो अगर मैं वोल्ट की जगह जूल पर कूलम रख दूं तो ये जूल पर कूलम मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट अपॉन जूल पर कूलम भी क्या हो कर दिया, ठीक है। तो चौथा ठीक नहीं है, चौथा क्यों ठीक नहीं है, चौथा जूल पर कूलम है, और जूल पर कूलम तो सिर्फ वोल्ट है, जूल पर कूलम तो सिर्फ वोल्ट है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है, वो तो पोटेंशियल है। फाइव ए टू फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं उनके दरमियान प्रोटॉन रख दिया, उस पर कितनी फोर्स लगेगी। दो पैरेलल प्लेट्स हैं उन पे इक्वल चार्ज है, भाई इक्वल चार्ज की पैरेलल प्लेट्स हो गई तो उनके दरमियान फील्ड क्या होगी,
जीरो, जब फील्ड जीरो होगी तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। फील्ड फोर्स की वजह से लगती है ना, फोर्स फोर्स फील्ड की वजह से लगती है, जब फील्ड ही नहीं होगी तो फोर्स भी नहीं होगी। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ई जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो गई। आगे वही क्वेश्चन आ गया, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, कैपेसिटेंस 20 है, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अभी ये मैंने लिखवाया था यार, C बराबर एप्सिलॉन आर को इसने K कह दिया ना, एप्सिलॉन आर को इसने क्या कह दिया, K, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो गया था, 40। अब इसने वैल्यू पूछ ली 40, यहाँ तक उतार लो। प्री मेडिकल कैपेसिटर्स ऑफ 5 माइक्रोफेराड एंड 7 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट, पैरेलल में सिंपल ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 7 क्या हो गई 12। आगे कहता है इफ अ डायलैक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केप्ट एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब हम डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। Q was proportional to, क्या था, Q is equals to CV, जब आप डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराएंगे तो C बढ़ जाएगा, जब C बढ़ जाएगा तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। आगे देखें 2002 प्री इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट, ये भी हमने देखा था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ ई एंड डेल्टा ए, ई डेल्टा ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कब जीरो होगा, तब एंगल 90 होगा। 2002 प्री मेडिकल, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। वन में आ जाओ, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और 3A2 when 3 capacitors are joined in series, सीरीज में जब जोड़ते थे तो फॉर्मूला क्या था, 1 upon C = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, हाँ लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम, कल ही समझा था ना, लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम कैपेसिटेंस। चलिए ये हो गए, अब हम मॉडल पेपर को देखते हैं, ये मैं स्टॉप कर दूँ।